क्राइम ब्रांच ने कल रात फिर दो स्थानों पर कार्यवाही करते हुए आईपीएल का सट्टा बुक कर रहे पांच लोगों को पकड़ा। एडिशनल एसपी गुरुप्रसाद पारसर ने एडिशनल एसपी गुरुप्रसाद पाराशर ने बताया, पहली कार्यवाही अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में की गई, जहां तीन लोग एक फ्लैट में रॉयल चैलेंजर्स और कोलकाता के बीच चल रहे मैच पर सट्टा बुक कर रहे थे। इनमें चिराग जैन, आदित्य शर्मा और अमन तिवारी हैं। इनसे नकदी 37,031 मोबाइल, दो लैपटॉप और लाखों का हिसाब मिला है। इनके खिलाफ अन्नपूर्णा थाने में जुआ एक्ट और आईटी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। वहीं दूसरी कार्यवाही कनाड़िया थाना क्षेत्र में की गई, यहां दो लोगों को सट्टा बुक करते पकड़ा गया। आरोपियों में संजय परमार और गणेश चौधरी भी कोलकाता और रॉयल चैलेंजर्स पर सट्टा बुक कर रहे थे। पुलिस वाला न्यूज से सिटी क्राइम रिपोर्टर संजय वर्मा की रिपोर्ट। इसमें कल रात को क्राइम ब्रांच की टीम ने और अन्नपूर्णा थाने की टीम ने वैशाली नगर में ऑनलाइन क्रिकेट का सट्टा पकड़ा है, जो कल के मैच पे बेंगलोर बनाम कलकत्ता का था, उस पर सट्टा लगाया जा रहा था। इसमें कुल तीन आरोपी हैं। इसमें आरोपियों से 31 मोबाइल फ़ोन, डायरियां, रजिस्टर, एक टैबलेट, दो लैपटॉप और 37,000 नगद उनसे रिकवर जब्त किया गया है। इसमें जो आरोपीगण हैं वो चिराग पिता पृथ्वीराज, आदित्य शर्मा और अमन तिवारी। इसके अलावा और किसी कार्रवाई की गई? इसके अलावा कल थाना कनाडिया और क्राइम ब्रांच की टीम ने एक कनाडिया में भी आईपीएल सट्टे के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से उनके मोबाइल जब्त किए हैं। नहीं, इनके मोबाइल बरामद हुए हैं और जो उनके पास में उस समय तक था तो करीब 500 रुपये, 750 रुपये इस तरीके से जो है कैश, हाँ वो हिसाब किताब वगैरह भी जो है सीज किया गया है और इसमें जो है आगे विवेचना की जा रही है। अभी तक के टोटल कितने कार्रवाई करते हैं?